चलिए आप क्लियर आ गया ठीक रहा था। से बहुत उम्मीद है आने वाले दिनों में विकास की गति जो रुकेगी उसको आगे बढ़ाने का काम करे। सभी और के लोग आपको की आयु के लिए हमारी जो जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट इंडिया की कैंडिडेट है श्रीमती लवली आनंद जी, उनके लिए सभी लोगों से अपील करता हूं कि श्री नीतीश कुमार जी के नाम पे और के सभी नेताओं के नाम पे उनको भारी तादाद में वोट दे करके जिताएं। आग्रह करूंगी और ऊपर भी आप तमाम लोग जानते हैं, इसके लिए आप लोग हमें चुनेंगे, हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। और हमारा अंतिम ये है कहना कि जो यहाँ पर कमलापुरी वैश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि उसकी संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी पिछड़े हैं, उनको आप लोग अति पिछड़े का दर्जा दिलाने में दिलाएंगे, ये हमारा आग्रह है। और उनके प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ। और सब लोग को ये कह करके यहाँ पर आप लोग बहुमूल्य समय निकाले हैं, तो आइए सब लोग मिल करके एक बार हमें साथ दीजिए, अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। और तीर छाप लेकर के मैं आई हूँ, तीर छाप पर बटन दबा करके ऊपर में कमल खिलाइए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश भी आगे बढ़ रहा है, बिहार भी और भी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और जो भी आपकी समस्या होगी मैं उसके लिए आपके लिए, क्योंकि डबल इंजन के सरकार में ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, नीचे से ऊपर हमारी सरकार रहेगी तो सारा काम आपका होगा, ऊपर का काम भी नीचे का काम भी। और यहाँ जो भी समस्या है इसके लिए उसमें आनंद मोहन जी अपना फंड भी दिए थे, आज बंसी चाचा का पुल बन के तैयार है, शहीद बंसी चाचा का। तो ये सब भी हुआ, कभी उन्होंने जात पात नहीं किया, सबको लेकर के चले, हमको आप लोगों ने हर हमेशा साथ दिया है, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के यहाँ के लोगों ने हमें साथ दिया है, विपरीत परिस्थिति में भी जब आई तब भी लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्यार आशीर्वाद दिया। आज हम अनुकूल परिस्थिति में आए हैं, आज आप लोग को कहने आए हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2005 से बिहार के बागडोर संभाले हैं, बिहार में कितना विकास हुआ है, बिहार तेजी से विकास की तरफ दौड़ा है। पहले 2005 से पहले बिहार को जंगल राज कहा जाता था, बिहार में जो हत्या लूट अपहरण का बोलबाला था, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं थी, न किसी की दुकान सुरक्षित था, न किसी का खेत और खलिहान सुरक्षित था, व्यापारियों का पलायन था जारी और चारों तरफ दंगा फसाद, कुछ नहीं, जात पात में घिर के यहाँ पे जो थे बिहार के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी ने सत्ता सुख भोगने का काम किया, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, नीतीश कुमार जी ने बिहार का चहुमुखी विकास किया, सबके लिए सोचे, बिहार के लिए सोचे, महिलाओं के लिए सोचे, नौजवान के लिए सोचे, सबके लिए सोचे और बिहार के लिए सोचे। आप महिलाओं अब आप हाथ उठा के कहे हैं तब देखिए अब ये जीतेगी, तो इनके जीत के लिए अभिनंदन दे। आनंद जिंदाबाद, लवली आनंद जिंदाबाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इतना ही कहूंगा कि काम करते रहेगी, हम लोग तो काम सब दिन करने वाले हैं ही, तो आप जान लीजिए यहाँ और कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी, अभी एक महिला भी या कुछ लोग और भेजे तो हर तरह से
जहाँ कहीं भी कोई आवश्यकता होगी उस काम को पूरा किया जाएगा। यही हम आप सबको आश्वस्त करते हैं और आपने इनको दिया तो इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूँ और फिर हम इनको सामने लेके खड़ा हूँ। लवली आनंद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, लवली आनंद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो याद करिए ना कि सबको पंचायत के चुनाव से लेकर नगर निकाय के चुनाव से लेकर के शिक्षा में पढ़ाई में हर जगह एक एक काम करके और स्वयं सहायता समूह का अब कितनी महिलाएं बन गई। अब पूरे तौर पर भाई हम लोगों का तो शुरू से था कि लड़का और लड़की दोनों को बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने पूरा काम किया। और आज क्या स्थिति, कहां पहले कहीं कोई महिला आती थी, अब आज देख लीजिए महिलाएं आती। और जानते हैं स्वयं सहायता समूह वाला हम जहां कहीं भी घूमते हैं उन लोगों से मिलते हैं और जो जीविका दीदियां कितना बढ़िया बोलती है, अब उसकी भाषा कितनी अच्छी हो गई तो कितना ज्यादा विकास सबका हुआ। तो हर तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया है, तो हर तरह से महिलाओं के लिए सबके लिए। आइए जो मुस्लिम वाले का जितना झंझट है ताकि बिहार और चांद की ऊंचाई तक चले, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वाले जो भी हैं तो इन लोग क्या करते थे, शाम के बाद तो घर से बाहर नहीं निकल पाते, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं होती थी, लोगों के इलाज का भी काम नहीं था, तो ये सब बुरा हाल था। और जब हम लोग आए 2005 में, हम लोगों को नवंबर में मौका मिला, हम लोगों ने काम करना शुरू किया और एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। अब आप किसी भी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है। तो हम लोगों ने एक एक तरह से काम करा दिया हर प्रकार से। अब आप जानते हैं पांचवी कक्षा के बाद लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, तो हम लोगों ने एक एक तरह से सबके पढ़ने का इंतजाम, सब तरह का इंतजाम हम लोगों ने कर